जो गाने को रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अभी तो ऑडियो रिलीज हुआ था, वीडियो तो आज लॉन्च हुआ है, बट उस ऑडियो को जो प्यार मिला, आई मीन ऑब्वियसली अपना काम हर एक को पसंद होता है, बट मैंने भी बहुत गाने गाए हैं, लेकिन ये गाना वाकई में स्पेशल था. एज एन आर्टिस्ट सबसे पहले खुद को पता चल जाता है कि गाने का क्या क्या लेवल है और किस तरह का उसका आउटपुट होने वाला है. सो अगेन आई वुड थैंक उमेश गिरी फॉर सच अमेजिंग क्रिएशन ऑफ द सॉन्ग, एंड आई एम लकी दैट आई कुड सिंग दैट सॉन्ग. और मुझे खुशी है बिकॉज इस गाने को अवार्ड भी मिल गया, अब तो इसके ऑडियो को अवार्ड मिल गया, तो मुझे तो दिस इज अ वेरी स्पेशल अवार्ड फॉर मी. ये कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों का आइडिया था, बट एक्चुअली क्या हुआ था, जिस दिन मैंने इसकी फाइनल डबिंग की थी, सो बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू थ्रो सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन. जब आप गा रहे हो तो सिर्फ आप मुंह से नहीं गा सकते, आप मन से, दिल से और फेशियल एक्सप्रेशन देकर गाते हो, एंड देन ओनली यू कैन जस्टिफाई टू द सॉन्ग. तो जब वो हो रहा था और स्टूडियो में सब बैठे थे, द क्रिएटर्स ऑफ द सॉन्ग, एवरीवन वाज देयर, तो शायद उनको वो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लग गए होंगे, जो मसाला, जो तड़का उनको इस गाने के लिए चाहिए होगा. सो देन दे सेड कि अरे यार, नथिंग डूइंग, यू विल जस्टिफाई विद द सॉन्ग, यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू जस्टिफाई विद द सॉन्ग. सो आई वाज लाइक ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू कर ली थी. डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आप काम करते हैं और काम का फल यदि बहुत अच्छा होना तो बड़ा मजा आता है. बोलते हैं कर्म करो, कर्म की इच्छा, फल की इच्छा ना करो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कर्म करो और फल की इच्छा बिल्कुल करो यदि काम आपका अच्छा है तो, क्योंकि बनता है आपका करना. और इस काम में जब मैं ये कर रहा था उस समय आई फेल्ट दैट द वाइब, नो यू कनेक्टेड, यू कनेक्ट विद द वाइब. तो जब आप कोई चीज़ बनाते हो और समझ में आता है चार ऐसे लोगों को जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी से नहीं है, और वो जब लोग पसंद करते हैं ना तो ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं, मेरा बच्चा है, मेरे को तो अच्छा ही लगेगा, सामने वाले को वो बच्चा मेरा कैसा लग रहा है वो मैटर करता है. तो जब वो पर्सपेक्टिव से मैंने गाना बनाया तो अच्छा रिस्पांस मिला, एंड बस आप देख ही रहे हैं, आप लोग आ गए हैं हमारा गाना देखने के लिए. Also, आपसे जानना चाहूंगा कि जो पूरी टीम है उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर लिरिक्स के बारे में बताएं कि क्या-क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. यार मैं आपको बताऊं सर, गाने के लिए जब हम गाना बनाने बैठते हैं ना, मूड से बैठते हैं कि अब हमको गाना बनाना है, तब गाना नहीं बनता. जब आप करने के मूड से बैठते हो ना तब गाना बना ही नहीं सकते आप, ये एक रैंडम प्रोसेस है. अब उस दिन मैं बैठा था, कीज बजा रहा था, और बजाते बजाते एक धुन आई और धुन पे मैंने लिख दिया, ये विद इन हाफ एन आवर में बनाया हुआ गाना है. म्यूजिक मैंने एक दिन में बना दिया था, मिक्सिंग मास्टरिंग के प्रोसेस 2-3 दिन में लगे. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस. सी आई बिलीव कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो हमेशा साथ में आते हैं और वो आपको अट्रैक्ट करते हैं. सो जब मैं अनुजा के साथ, एक्चुअली मैंने बहुत सारे स्क्रैचेस किए हैं, कुछ गाने हमारे रिलीज भी हैं, और मैं अदर लोगों के साथ काम करता हूँ, तो आपको ये समझ में आता है कि आर्टिस्ट का पोटेंशियल क्या है, और जब पोटेंशियल पता चलता है तो आप डेफिनेटली उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहेंगे. मैंने अगेन वही वाइब वाली बात होगी कि सामने कैमरे पे आने के लिए या उसका कितना वो कला में अपनी धनी है. तो ये सारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब गंधर्व लोग हैं, मेरे को ऐसा लगता है ये अपने काम को जानते हैं, इसलिए मैंने इनके साथ काम करना, बहुत मजा आया क्योंकि दे वर वेरी सपोर्टिव, एंड किसी ने भी वेस्ट नहीं किया टाइम. शूट में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है टाइम की, टेक्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पर बहुत, हमने गाना आधे दिन में शूट कर लिया और बहुत मजेदार शूट किया, और बहुत लोकेशन के फायदे हुए, लोकेशन में हमने मजे किए, बहुत सारी चीजें हुई. तो आई लव वर्किंग विद देम. सर आपसे जानना चाहूंगा, गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्या कहना चाहेंगे एज अ व्यूअर, अगर आप बताएं गाने के बारे में कैसा लगा आपको. ये सुन के तो खुशी बहुत होती है कि लोगों को पसंद आया, उससे ज़्यादा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है दोनों पर. अनुजा और उमेश दोनों इतने बेहतरीन हार्डवर्किंग पीपल है कि उनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता. आई हैव नेवर सीन सच डेडिकेटेड पीपल हु हैव डन, एंड टैलेंटेड पीपल, एंड आई थिंक सो दे हैव अ ग्रेट फ्यूचर हैड, एंड ऑलवेज विश देम
good luck thank and you, I sir, hope I get so more opportunities to have more of their songs released very soon in the coming days. थैंक यू आपसे जानना चाहूंगा आपकी जो केमिस्ट्री हमने देखा गाने में बहुत अच्छी लग रही है अनुजा के साथ तो थोड़ा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या प्रिपरेशन थी गाने को लेकर गाने को लेकर बड़ी अच्छी प्रिपरेशन थी और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का और मल्टी टैलेंटेड है बहुत सिंगर है नो बात सीधे नो बकवास सीधा टू द पॉइंट बड़ा अच्छी फीलिंग है एज एन एक्टर बड़ा नर्वस तो रहता ही नया मोमेंट है नया नया मोमेंट है दरियारिया मतलब ऐसे था जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना आई वॉज लाइक ये गाना भाई बहुत मजा आने वाला है करने में और स्पेशली जो हुक लाइन है उसको डिजाइन करते वक्त मैंने 3-4 अलग अलग स्टेप्स भेजे नहीं ये नहीं वो नहीं वो देन अल्टीमेटली ये जैसी फर्स्ट टाइम किया अनुजा एंड उमेश ऑल्सो दे वर लाइक ये बहुत अच्छा लगेगा एंड देन फिर उससे किस तरह से आगे शूट करना है क्या है क्या है और बहुत मजा आया करते वक्त एंड ये केमिस्ट्री तो ऑलरेडी जैसे ही फर्स्ट टेक लिया दोनों का एक साथ में वो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा जैसे रिहर्सल में वो केमिस्ट्री बनती गई और वो टेक बाय टेक वो केमिस्ट्री अपने आप आती गई आई मुझे सिर्फ बोलना था लेट्स स्टार्ट लेट्स डू इट और वो बनते गया होते गया अगर उस बारे में कुछ बताए कि एज एन एक्टर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इजी या डिफिकल्ट था एज ए सिंगर या एज ए एक्टर नहीं था मतलब दोनों पार्टीज आई डोंट डिफिकल्ट नहीं था मतलब क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था अब वो गाना ही ऐसा है चलो गाना अगर ऐसा ना भी होता मानो कोई सैड सॉन्ग या कोई बहुत इंटेंस भी गाना होता बट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द फील आप एक बात समझिए जो जो जिस तरह से मैं इस चीज़ को देखती हूँ वो ये है कि मेरे लिए इट इज़ नॉट अ टेक्निकल थिंग एट ऑल मे बी वो टेक्निकल नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाती मैं बहुत सोचती नहीं हूँ बट इट हैज़ टू कम नेचुरली टू यू इट हैज़ टू कम विद अ लॉट ऑफ फील तो चाहे मैं गाऊँ उस समय वो भाव वो एक्सप्रेशन चाहे मैं डांस करूँ चाहे आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम डांसिंग आई एम नॉट अ डांसर दो बट मुझे मेरा बड़ा मज़ा आता है मुझे बहुत मैं हंसते हंसते कुछ भी तो गलती भी होती है तो बाद में देख लो ऐसे हंसते अच्छे स्वीट स्माइल से तो सामने वाला भी ज्यादा नहीं डांटता कम डांट देता है सो आई थिंक इजी है सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग इट्स ऑल अबाउट द फील इंटरप्ट करूंगा कभी कभी ऐसा होता था रिहर्सल में मैं बोलता थोड़ा रुक जाता है नहीं नहीं एक और बार शी इज सो हार्ड वर्किंग लिटरली आई यूज्ड टू बी लाइक चलो थोड़ा रुक जाते हैं नहीं नहीं एक और बार करते हैं एक और वैसे करके 20 बार और कर ही लेंगे तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी ले चल तू मुझको अपने महल अटारी तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी ले चल तू मुझको अपने महल अटारी बजवा शहनाई ना 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 बजवा शहनाई ना 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 बजवा शहनाई पहली बात मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये गाना एक ऐसे चैनल पे रिलीज हो रहा है जिसका नाम ही इतना खूबसूरत है ऑफ कोर्स मेजर संजय इज सच अ ही इज द सोल बिहाइंड द चैनल आई शुड से
बिकॉज बट वो सोल में इतनी इतनी स्पिरिचुअलिटी है कि नाम ही इतना सुंदर है, कामाख्या म्यूजिक. एंड व्हेन इट इज अबाउट कामाख्या, इट्स लाइक हर एक इंसान उनकी स्पिरिचुअल पावर से रिलेट कर सकता है. और मुझे बहुत अच्छा लगा दैट ही फेल्ट दैट आई एम वर्दी इनफ टू बी साइंड एज एन आर्टिस्ट फॉर हिज चैनल. तो his artist, his channel's artist. So aap ye gana sun sakte hain on Kamakhya Music. And but before I say anything about Kamakhya Music, I would like him to say something about Kamakhya. You have said most of the things, and we need goddess blessings, and I think so Kamakhya is that. It is the goddess herself, and we want another goddess to be a part of it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.